कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वेलकम बैक विद आवर न्यू ब्लॉग। आज बहुत ही स्पेशल डे है। स्पेशल डे क्या है वो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। और क्या बताऊँ, मतलब ये दिन जो है मुझे याद है कि कई साल हो गए हैं कि मैं जब अपने भाई के साथ नहीं रही हूँ। मेरे भाई का जन्मदिन है और उसके लिए मैं कुछ सरप्राइज़ प्लान की हूँ, लेकिन क्या सरप्राइज़ प्लान किया है वो आपको पता चल जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अभी सुबह की बना रही हूँ चाय अपने भाई के लिए। और इधर मेरा जो है कि जीरा पानी है, इसमें नींबू डालूंगी और फिर इसके बाद इसको मैं पीऊँगी। थोड़ा सा गर्म पीना होता है, सिप सिप करके पीती हूँ मैं। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। पहले उसको उठाती हूँ, विश करती हूँ और देखती हैं आज का क्या क्या प्लान रहता है। लेकिन जो सरप्राइज़ मैंने सोचा है जस्ट उसी तरीके से सब कुछ हो पाता है या नहीं, या फिर क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तो ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहना। और मेरी बेटी जो है अभी सोई हुई है, बहुत प्यार से सोई हुई है उसको। मतलब मुझे लगता है कि रात भर वो बीच बीच में उठती रहती है, तो अभी उसको ढंग से नींद आई है तो वो अभी सोई हुई है। सो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। हाय हाय उसका गर्दन। बाप रे, अब गिर गए तो अभी कहाँ से आप? आप भी गिर गए तो? अभी गिर जाऊँगा तो फर्श टूट जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैं फटाफट सब्ज़ी बना रही थी बेसन की। बेसन की सब्ज़ी जो है मसाले में डाल के पकौड़े, और उस तरह से मुझे इस बार बनाना था, चीला वाला नहीं बनाना था। तो मैं फटाफट यहाँ पर कट कर रही थी। मैं सोची कि बाद में रेडी हो जाऊँगी, सबसे पहले प्रिंसेस को रेडी कर दूँ, बेटी को, उसके बाद फिर खुद रेडी हो जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं बहाना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बस चॉइस जानना चाह रही थी अपने भाई का कि उसका किस टाइप का चॉइस है। वैसे मैं जानती हूँ लेकिन फिर भी एक बार जानना था मुझे। फिर उसके बाद हम लोग रेडी हुए और फिर निकल गए मार्केट के लिए। बहाना मैंने ये बनाया कि जीजू को कुछ कपड़े लेने हैं तो चलो शॉपिंग करने के लिए। तो हम लोग सब लोग रेडी हो गए, अब निकल रहे हैं हम लोग। कहाँ चल रहे बेटा? घूम घूम करने चल रहे हैं क्या? हाँ तो हम लोग पहुंच गए हैं रिलायंस ट्रेंड, और उसके बगल में विशाल मेगा मार्ट भी है। तो विशाल मेगा मार्ट से हम लोगों को ग्रॉसरी के सामान लेने थे और रिलायंस ट्रेंड से कुछ कपड़े लेने थे हम लोगों को। हेलो
पहले हम लोगों ने सोचा कि विशाल मेगा मार्ट जो है वो बंद हो जाएगा, फिर ग्रॉसरी वगैरह का सामान नहीं ले पाएंगे। तो ग्रॉसरी से पहले मैंने यहाँ पे शॉर्ट वगैरह देखनी स्टार्ट की, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि सब कलर ब्लू ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा था और कुछ वैसा कलेक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और साइज़ को लेकर के भी थोड़ा इशू था। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि भाई को कौन सा साइज़ होगा, क्योंकि दोनों भाइयों के लिए लेना था। एक भाई यहाँ पर है था मतलब यहाँ पे है और एक भाई घर पे है, तो दोनों के लिए मुझे कपड़े लेने थे। और फिर अब ये समझ में नहीं आ रहा था कौन सा कलर सूट करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो कई तरह के मैंने कपड़े यहाँ पर देखे, लेकिन मुझे प्राइस तो कोई नहीं, प्राइस का कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कलेक्शन उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी अच्छी लगनी चाहिए। फिर उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ना पतिदेव के लिए ना ही भाई के लिए, किसी के लिए कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर हम लोग चले गए किड्स वाले सेक्शन में और बेटी के लिए कुछ कुछ देख रहे थे, लेकिन उसमें भी कुछ खास मुझे अच्छा नहीं लगा उतना, लेकिन फिर भी ठीक था। डेली बेसिस पे अगर डेली बेसिस पे बच्चों को कुछ पहनाना चाहो तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो मैंने एक दो चीज़ें यहाँ से ली बस, जो डेली यूज़ के लिए मैं बेटी को पहना सकूँ, उस तरह के कपड़े मैंने लिए शर्ट पैंट टाइप में। और सबको झुकना पड़ता है, मैं नहीं दिखती हूँ फिर। अब से मैं हील्स पहन के आऊंगी। फिर आ गए हम लोग रिलायंस ट्रेंड और यहाँ पे कलेक्शन जो है बहुत अच्छी लग रही थी, और मैं प्रिंसेस को लेकर के घूम रही थी, इधर उधर देख रही थी, भाई के लिए कुछ कुछ पसंद कर रही थी और पतिदेव भी कुछ कुछ पसंद कर रहे थे। अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी और घर जाने के लिए वो परेशान कर रही थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और उसको बहुत गर्मी लग रही थी। क्योंकि हम अंदर से बाहर इसलिए आ गए थे क्योंकि काम हो चुका था, सब कुछ शॉपिंग वगैरह हो चुकी थी, तो फिर बस बिलिंग का बिलिंग के लिए लाइन लगे हुए थे। तो फिर मैं इसको घुमा घुमा के किस तरह चुप करवा रही थी। डेली मार्केट से आने में वो हो जा रहे हैं लेट, और जिसके कारण घर में खाना बनाना पड़ रहा है यार। तो इतना मैं थक जा रही हूँ कि क्या मैं बताऊँ। मार्केटिंग करना सबसे बड़ा काम है, और खास करके लड़के कहते हैं ना कि लड़कियों का काम टाइम लगता है, मुझे प्यार नहीं लगता है। हमारे घर में लड़के भी ऐसे ही हैं जो बहुत टाइम लगाते हैं।
एक चीज को 10 बार पसंद करते हैं और उसके बाद नहीं पसंद आता फिर दूसरा फिर दूसरा फिर दूसरा। तो खाना वाना जल्दी जल्दी बनाने के बाद और हस्बैंड बाहर से सोया चाप लेकर के आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी खा लेंगे और रोटी सब्जी भी सब कुछ साथ में ही खा लेंगे क्योंकि रात के बज चुके थे, 11 से ज़्यादा टाइम हो रहा है। हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जो भी है जल्दी जल्दी करके और फिर उसके बाद सोने चलते हैं और फिर बर्थडे भी प्लान किया है। हैप्पी बर्थडे मामा का, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कृष्ण भी, हैप्पी बर्थडे कर रही ऑल ओवर। अभी सोएगी, सुना देती हूं इसे पहले। ऐसा सो रही है मामा, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐसा कुछ होती। चलो तीसरा, मेरा बर्थडे है तीसरा, वो तीसरा के बच रहे हैं 12 और मेरे भाई का है जन्मदिन, दो भाई का है जन्मदिन, एक यहाँ है और एक बाद में है। तो हम कौन सा बर्थडे है इन लोग का, शायद 19 19 साल होगा। मैं एक सवाल पूछता हूँ बर्थडे के दिन, उसका जवाब देना। हे भगवान, बर्थडे के दिन कैंडल क्यों बुझाते हैं, कैंडल बुझाती है फूंक के क्यों बर्थडे मनाते हैं? सेलिब्रेट करने का तरीका है जला के भी तो छोड़ सकते हो। अच्छा, कोई रीजन है ना? वो ये है कि हम लोग केक देख लेते हैं जब तक इन लोग आंसर सोच रहे हैं तब तक। तुम भी सोचो आंसर, तुम कौन सी धरती इस ग्रह की नहीं है? दीदी ये बताएगी, मैं कल बताऊंगी। आज बताओ, अभी बताओ, सवाल का जवाब। मेरी बेटी सो रही है। अरे यार, पहले केक कट कर लेते हैं यार। केक तो कटेगा ही, लाया हूँ वापस चले आएगा। सवाल तो जी जी से पूछते हैं क्या होगा उनसे। बता दो जल्दी यार, मुझे खाना है इसे। खा लो तो नहीं पता ना, प्लीज बोल दे तब बता दी। आप लोग कमेंट बताना कि इसका आंसर क्या होता है, बर्थडे के दिन कैंडल क्यों फूंक करके ही सेलिब्रेट किया जाता है। आई थिंक हो सकता है कि मतलब कि 19वां स्टार्ट हो रहा है इसीलिए, मतलब कि 19 ईयर ओल्ड बोलते हैं ना, मतलब 19 तारीख को 19 होता है ना, इसलिए तो 19 पर फूक मार करते हैं। सब बर्थडे मनाते हैं नहीं पता, हम फूकते इसलिए है कि सेलिब्रेट सेलिब्रेट इसलिए करते हैं कि भाई 19 साल तुम्हारे जीवन से कट चुका है, इसलिए फूक ये सही है। मेरा एक सर ने भी यही सेम क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने बोला 19 ईयर ओल्ड क्यों बोलते हैं, यंग क्यों नहीं बोलते हैं? जैसे कि बेटा 19 साल है तो हम यंग एज है ना, यंग बोलना चाहिए, तो ओल्ड क्यों बोलते हैं, मतलब वो बीत चुका है। साल आपके बीत चुके हैं, बीत चुके हैं, बेसिकली ये दुख की घड़ी से खुद को बुझाते हैं। 19 साल बूढ़े, 19 साल के बूढ़े हो चुके हैं हमारे जीवन से, जो 50 साल का जीवन था वो 31 साल बन गया। काटो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, खा लो, काट लो, खा लो, जीओ क्या करो। मेरी बेटी को तो कोई खिला गया, हैप्पी बर्थडे टू यू, मिल जाना सुबह ऑफिस, हैप्पी बर्थडे शॉपिंग करके आया है, हो गया बड़ी से। इस घर में खाना कम सफाई ज़्यादा हो जाता है। तो
बहुत अच्छा केक का टेस्ट। ठीक है, बर्थडे हो गया सेलिब्रेट, कल का क्या शेड्यूल होता है वो भी देखते हैं कि बर्थडे के दिन क्या करते हैं। रात में तो हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। सो गाइस सभी लोगों को बाय और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।